फ्रेंड्स, आज हमारे चैनल फ्लेवर फीस्ट 24x7 में आपका स्वागत है। आज हम आपको कच्चे केले से कढ़ी बनाना दिखाएंगे। आप देखिए कैसे बनाते हैं। हम केले को छील लेंगे, पहले हाथ में थोड़ा सा हम इस तरीके से ऑयल लगा लेंगे, इससे हमारे हाथ काले नहीं होंगे। और आपको हम दिखाते हैं, इस सारे केले हम इस तरीके से छील लेंगे। देखिए आप हमारे केले छील चुके हैं, हम तीन केले के हिसाब से बना रहे हैं। अब हम इन केलों को कद्दूकस कर लेंगे इस टाइप से सारे। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और कमेंट्स में ज़रूर डाला कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस तरीके से सारे केले हम कद्दूकस कर लेंगे। देखिए हमने इसको कद्दूकस कर लिया है। अब हमारा ये 8 से 10 कली लहसुन है और ये हमारा 2 मिर्च है हरी, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है। इनको सबको हम इसमें डाल करके कूट लेंगे, इस तरीके से कूट लेंगे। ये देखिए हमने इसको कूट लिया है और इसमें से हाफ हम इसमें ऐड कर देंगे, इसको अलग रख लेंगे। अभी इसका आगे प्रोसेस बताएंगे आपको। हम इसमें काली मिर्च 1/4 चम्मच और ये हम अपना जो मसाला रखते हैं तैयार करके, धनिया सौंफ जीरा 1 चम्मच उसको ऐड करेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/4 चम्मच जीरा, 1/2 टीस्पून धनिया। मिर्च हम इसलिए नहीं डाल रहे हैं कि हमने हरी मिर्च इसमें डाली है। और आप इसमें बेसन डालिए, जितना बेसन आप इसमें बाइंडिंग के लिए सही रहे आप उसी के हिसाब से डालती रहें। और ये 1/4 चम्मच से भी कम, 2 पिंच इसमें जो है बेकिंग सोडा। अब हम इसको इस तरीके से बाइंडिंग के लिए तैयार करेंगे इसका डो। आप पानी बहुत हिसाब से डालें, गीला ना होने पाए। देखिए हमारा डो बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको इसमें हरी धनिया ऐड कर देंगे। अब हम इसकी पकौड़ियाँ बनाएंगे, भी आपको दिखाते हैं। अब हम अपनी गैस जलाते हैं, इसमें सरसों का तेल डालेंगे। अब देखिए हमारा सरसों का तेल जब हो जाए, गर्म हो जाए, तो हम इसमें पकौड़ियाँ बनाते हैं। ये देखिए हमारा तेल हो गया है, अब हम इसमें पकौड़ियाँ डालते हैं। फ्लेम मीडियम कर दीजिए, मीडियम साइज की पकौड़ी बनाए, ना बहुत छोटी ना बहुत बड़ी। ये देखिए हमारी पकौड़ियाँ तल चुकी हैं, गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। अभी तब तक हम आपको इसके लिए मट्ठा तैयार करके दही दिखाते हैं। ये हमारा 1 कटोरी दही है, आपका जैसा दही खट्टा हो उसी मेजरमेंट से ले लें। और दही कढ़ी में हमेशा दही डालने के समय आप उसको फेंट लिया कीजिए इस तरीके से। ये देखिए हमारी पकौड़ियाँ बन रही हैं इसमें कढ़ाई में। और हम जब तक इस कढ़ी का बैटर तैयार कर लेते हैं, इसमें हम अपना फेटा हुआ दही डाल देंगे और 4 चम्मच हमने लिया है बेसन। आपको जितनी ज़्यादा कढ़ी बनानी हो तो उस हिसाब से आप ले लें। और इसको भी हम इस तरीके से फेटेंगे। अभी हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, नमक फेटने के बाद ही ऐड करेंगे। देखिए इस तरीके से ये हमारा बैटर तैयार हो गया। इस तरीके से थोड़ा कर दीजिए। और ये इसका हम मसाला भी रेडी कर रहे हैं, जो हमने उसमें से 1/2 लहसुन अदरक और मिर्ची पेस्ट बताया था उसमें हम ऐड करेंगे।
एक चम्मच हल्दी, हाफ टी स्पून मिर्च, हाफ टी स्पून सूखी धनिया। ये हमारी सारी पकौड़ियाँ बनकर रेडी हो गई। अब हम इसमें थोड़ा ऑयल डालेंगे। इसमें भी आप बना सकती हैं, आप चाहें तो भगोने में भी बना सकती हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे इस मसाले को इस तरीके से पतला कर लें। 1 पिंच हींग, कढ़ी में हींग का फ्लेवर अलग रहता है बिल्कुल। अब इसमें आप मसाला डाल दें, थोड़ा सा और पानी डाल दें। अभी मसाला रेडी होने तक आप इसको इसी तरीके से चलाती रहें। ये देखिए हमारा मसाला तैयार हो गया। कभी भी मसाला ये सूखा सूखा भूने आप, तो इसमें पहले तो आप थोड़ा पानी ऐड करें इससे कि वो पतला हो जाए, उसके बाद में ही आप अपना बैटर डालें, क्योंकि फिर वो इसकी गुलथियाँ उसमें घुलती नहीं है बैटर में। अब हम इसे बैटर डालें। ये देखिए आप, बैटर में हमने कुछ भी नहीं ऐड किया है। जब ये खौलने लगेगी तभी हम इसमें नमक डालेंगे। आप पानी अपने अकॉर्डिंग डालिए, कितना आप पतला खाना चाहती हैं, लेकिन कढ़ी पतली ही ठीक लगती है। ये देखिए आप, हमारी कढ़ी खौल चुकी है। और कढ़ी को हमेशा ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप खौला लेंगे उतना इसमें टेस्ट आएगा। कढ़ी को खौलाते समय हमेशा इसको चलाते रहें, जब ये खौलना शुरू हो जाए तब आप हाथ अपना रोकें। और हमने इसमें अब नमक ऐड किया है, खौलने के टाइम पर ही आप इसमें नमक ऐड करें। अभी हम सारी पकौड़ियाँ इसमें डाल देंगे हल्का सा दबाते हुए इस तरीके से। हमारी कढ़ी बनकर रेडी है। अब हम इसके तड़का लगाने की तैयारी करेंगे इस कढ़ी में। अब हम इसकी तड़के की तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए इसमें ऑयल डालेंगे, खूब अच्छे से ऑयल गर्म हो जाना चाहिए। ये देखिए हमने मिर्च डाली है, ये कढ़ी पत्ता है और ये हींग है। और राई हमने नहीं डाली है, राई ऑप्शनल है, आपको जैसा मन हो। गैस बंद कर दीजिए। ये हमने इसमें तड़का लगा दिया। आज का हमारा टिप, आप जब हलवा बनाते हैं, कोई भी हलवा बनाएं, उसमें 1 चम्मच आटे की भूसी ऐड कर लीजिए, आपका हलवा खिला खिला सा बनेगा एकदम, बहुत अच्छा। थैंक यू।